अच्छा, आप लोगों को ऑप्शंस देंगे, ठीक है, और ये इसमें मज़े की चीज़ ये है कि आप ये दो या तीन ऑप्शंस तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते ना, या कुछ डिफरेंट भी नहीं कर सकते, इन्हीं में से एक ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा समर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। जी अगर मुस्तकबिल में किसी को वज़ीर आज़म देखना चाहें तो किसको देखना पसंद करेंगी, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो, अच्छा, आई हैव अ वजह? सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज, आई मुझे वो बड़े इंडियरिंग लगते हैं, उनका जो बात करने का तरीका, उनका एक उनमें एक अपनी वालदा की तरह एक सॉफ्ट स्पोकन, एक काइंडनेस है जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती अच्छा, हूँ। और यही सवाल मेरा आपसे कवल, मुस्तकबिल में किसको वजीर आजम देखेंगी, हमजा शहबाज, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? एक ऑप्शन लाजमी है, मुझे तो तीनों ही नहीं नजर यही आ ऑप्शन, रहे, मैंने इसीलिए पहले कहा था कोई और ऑप्शन नहीं आ तीनों ही सकता। नजर नहीं आ रहे कहीं से भी। नहीं, बट आप तो, आपकी मजबूरी है ना, इन्हीं में से चूज करना है, क्या करें। जरूरी तो नहीं है, हम खुद भी तो थे, मैं तो आई थिंक आई वुड प्रेफर समर आ जाए, समर आ जाए या बट मैं आ जाऊं, समर का नाम भी लिखा आई शुड बी प्रमोटिंग दीज फैमिलीज। अच्छा, तो यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑप्शन, नो बट ये नो, मैंने यहाँ पे आपको मार्जिन दे दिए, ये ना आगे भी जाके आप कहें कि आई पास, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने आपको कितनी अच्छी ऑप्शन दी है। वो तो ठीक है, आई एग्री, आई एंडोर्स यू इन दैट, बट अभी ये, अच्छा, आपके ख्याल में अगर ये लोग सियासतदान ना होते तो इनको क्या होना चाहिए था? शेख रशीद? शेख रशीद, आई थिंक वो अच्छे टीवी पे वो बहुत अच्छे एनालिस्ट होते। एनालिस्ट होते थे। आपको क्या लगता है, शेख रशीद सियासतदान ना होते तो क्या होते? टॉक शो होस्ट लाइक ओपरा विनफ्री टाइप। ओपरा विनफ्री टाइप, ओके। चौधरी शुजात? चौधरी शुजात ठीक है, जो है वो सियासतदान ही अच्छे हैं। सियासतदान ही अच्छे हैं, वो काफी अच्छे सियासतदान है वैसे। बहुत अच्छे सियासतदान है, देखिए हम आपके साथ भी बैठे हुए। चौधरी शुजात, सो आई थिंक अ बिजनेसमैन। वेरी गुड। तलाल चौधरी साहब? आई थिंक वो किसी पंजाबी स्टेज शो पे होते हैं। ठीक है, हालिया बयानात भी उनके कुछ ऐसे ही रहे हैं। पंजाबी स्टेज शो में वो नहीं होते जो गंडासा पकड़ के लोगों को हंसाते हैं जो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप उनको वो, मैं समझ गई पंजाबी क्या में कहना चाह रही हैं और मारते मैं ना भी कह रही। जो जुगते मारते हैं और लोगों को हंसाते हैं। आपको पता है फैसलाबाद के लोग तो वैसे ही जुगतबाजी के लिए तो बहुत बस वो मशहूर उसमें हैं। बड़े फिट, अभी भी वैसे वो वही लगते हैं ज्यादा। तलाल चौधरी साहब क्या होते हैं? सो मैं क्या कह सकती हूँ, आई कांट इमेजिन हिम एनीथिंग एल्स। अच्छा, वो जिस तरह नजर आते हैं जो बस अब बयाना उनके देते हैं। यही रूप मैंने देखा है। राणा सनाउल्लाह? आई थिंक ही वुड बी ग्रेट इन सम काइंड ऑफ डिटेक्टिव वर्क एंड FIA टाइप ऑफ अच्छा, मैं थिंग। एक्चुअली इमेजिन भी कर रही हूँ साथ साथ, अब बोल रही हूँ, इमेजिनेशन मेरी जा रही है, डिटेक्टिव क्लूसो। हाँ मे जी, बी। मैं तो समझती हूँ कि पंजाबी फिल्मों में जब से शफकत चीमा साहब गए हैं, राणा सनाउल्लाह उनकी बड़ी जबरदस्त रिप्लेसमेंट, बल्कि उनसे चार हाथ आगे राइट, ही होते। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो शफकत चीमा की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वो एक साथ और ऐड कर जी दूं, जी शफकत चीमा साहब की एक मूवी में वो बहुत खौफनाक वाले विलन बने थे, आपने शफकत चीमा की मूवीज कितनी मैंने देखी है, मैं देखी, तो इस और पे वो हैरान ये हूँ। ईद के दिनों में ही आया करती थी, PTV वाले दिखाया करते थे और हम छोटे होते देखते। उसमें ना वो कोई बिल्ला नाम की चीज बने हुए होते हैं अच्छा, और उनका बड़ा डायलॉग होता है कि चार पाँव पे चल के आने वाला बिल्ला दूध पीता है और दो पाँव पे चल के आने वाला बिल्ला खून पीता है। राणा सनाउल्लाह को इमेजिन अच्छा, मेरी एक्चुअली कमल शौजफ साहिबा से फर्स्ट मुलाकात है और मैंने आज तक किसी पॉलिटिशियन को शफकत चीमा साहब के मूवीज और डायलॉग याद रखते हुए इतने याद कभी नहीं देखा।